गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में रूल्स ऑफ सुपरलेटिव भी चल रहा है। आज के क्लास में आप इस वीडियो में रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। अब देखिए रूल 1, 2, 3, 5 हो चुका है। ये है आपका रूल 6। ठीक, रूल 6 क्या कहता है? डबल सुपरलेटिव डिग्रीज। क्या कहता है? डबल सुपरलेटिव डिग्रीज आर नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड टुगेदर। डबल सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कंपैरेटिव डिग्री में आप पढ़े हो कि डबल कंपैरेटिव डिग्रीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर। डबल कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग आप एक साथ नहीं करोगे, उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग एक साथ आप नहीं करोगे। अगर ऐसा करते हो तो समझो कि बहुत भयंकर गलती करते हो। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, ई इज द मोस्ट क्या ब्राइटेस्ट, स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो आपने क्या गलती किया, ये सेंटेंस क्रॉस हो गया। और इसके अलावा अगर आप लिखते हो कि ही इज द, ठीक है, अगर आप इसमें से हटाओगे तो किसको हटाओगे इसका भी ध्यान देना है। किसका ध्यान देना है भैया? ये भी सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। तो दोनों में से हटाओगे तो किसको हटाओगे? अगर ब्राइटेस्ट को हटाते हो तो सेंटेंस मिल जाएगा कि ही इज द मोस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तू गलत हो गया, तो आपको हटाना होगा मोस्ट को। तो क्या करते हैं भैया, ही इज द क्या किया, ब्राइटेस्ट, ठीक ना, स्टूडेंट, ठीक ना, गलत हो रहा है भाई। हाँ, स्टूडेंट इन द क्लास। अब आपका ये सेंटेंस सही हो गया। यह सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। इसी तरह से अगर आप ही इज द, अगर आप मोस्ट लिखते हो, मोस्ट क्या जी, रिचेस्ट मैन लिखते हो, मैन इन द टाउन लिखते हो, क्या लिखते हो, इन द टाउन लिखते हो, तब क्या होगा, सेंटेंस क्रॉस हो जाएगा। अब इसको सही करने का यही तरीका है, इसको हम हटा दें तो क्या हो जाएगा, ही इज द क्या, प्रेजेंस। तो बहुत वेरी सिंपल रूल है, ठीक ना। मैं इन द का, तो अब सेंटेंस सही हो गया। बस एक छोटा सा रूल है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू।